मेथड और डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट, तो इसको हम टेक्निक्स भी कह देते हैं कैश मैनेजमेंट के। इसमें कौन कौन से मेथड शामिल करते हैं हम, कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो रेशो, कैश मैनेजमेंट मॉडल। सबसे पहले है कैश बजट। कैश बजट जो है ये एक एस्टिमेट होता है कैश रिसीट्स का और पेमेंट्स का एक फ्यूचर पीरियड के लिए, जो जनरली एक साल का होता है उसके लिए हम लगाते हैं। और ये जो है हमें बताता है कि एक बजट पीरियड में कितने कैश की जो है शॉर्टेज रहेगी या हमारे पास कितना जो है कैश सरप्लस में रहेगा, इस बात की फोरकास्टिंग हम कैश बजट बना करके कर सकते हैं। तो मेनली इसमें कैश रिसीट्स और पेमेंट्स को लिया जाता है। तो रिसीट्स हमें कहाँ से मिलती है, कैश सेल से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से जो कैश पेमेंट्स है वो मेनली कैश परचेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स और पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस के लिए जो है की जाती है। तो हम कैश रिसीट और पेमेंट फ्यूचर के लिए इसका एस्टिमेट लगा करके हर एक मंथ के लिए या फिर ईयर के लिए भी जो है कैश बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस क्या है कैश बजट के, सबसे पहले इसमें है हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट। एक कैश बजट बना करके हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कैश की शॉर्टेज रहेगी या सरप्लस रहेगा, और उस हिसाब से हम जो है प्लान कर सकते हैं। अगर फालतू कैश है तो उसको इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया जा सकता है। हेल्पफुल इन सिलेक्शन द प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप देखिए कैश बजट बनाने से पता चल जाता है कि कितने टाइम पीरियड तक हमारे पास कैश जो है वो कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। अगर हमें लगता है कि थोड़े टाइम के लिए कैश कम रहने वाला है तो हम शॉर्ट टर्म सोर्स से उस जो है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है या थोड़े टाइम के लिए पैसा जो है उधार लिया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म है तो शेयर्स या डिबेंचर इशू करके उस पैसे की कमी को जो है दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इन्वेस्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश। कैश बजट बनाने से ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से मंथ में हमारे पास जो है कैश सरप्लस में रहेगा और उस कैश को जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है कैश हमारे पास, तो इस तरीके से जो है सरप्लस को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हेल्पफुल इन गेटिंग कैश डिस्काउंट। कैश बजट हमें कैश डिस्काउंट अवेल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस महीने में हमारे पास कैश फालतू है, और अगर उसी महीने में हमें अंदाजा हो रहा है कि परचेज़ जो भी हमें गुड्स करनी है उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा एक ही बार में खरीद के क्वांटिटी में भी डिस्काउंट ले सकते हैं और कैश में पेमेंट करके कैश डिस्काउंट भी जो है अवेल कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर बिजनेस में एसेट परचेज करने की सोची जा रही है तो कैश बजट से हमें पता चल जाता है कि कितना कैश बिजनेस से अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वो कैश पर्याप्त रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो मैनेजमेंट है अगर लगता है कि बिजनेस से पूरा कैश अरेंज नहीं हो पाएगा तो बाहर से अरेंजमेंट की जा सकती है एसेट्स को खरीदने की। हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन द प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी। पॉलिसी डिविडेंड के लिए भी जो है ये हेल्प करता है कैश बजट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्याप्त प्रॉफिट होता है बिजनेस में बट जो कैश पोजीशन है वो बढ़िया नहीं होती है बिजनेस की। हो सकता है कि क्रेडिट सेल ज़्यादा रही हो इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा है तो कैश जो है वो कम मात्रा में हो, तो ऐसे में जो डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन है वो कैश में डिविडेंड का नया लेकर बोनस वगैरह के रूप में डिविडेंड जो है दिया जा सकता है। रिस्ट्रिक्ट ओवर स्पेंडिंग, तो ओवर स्पेंडिंग भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग अगर हम कैश बजट बना रहे हैं तो पता रहता है बिजनेस को कि कब जो है कैश पर्याप्त मात्रा में है और कब नहीं है और कितना हमारे पास कैश है, तो मैनेजमेंट जो है वो कैश को ठीक तरीके से यूज़ करती है ताकि कैश को ज़्यादा खर्च होने से जो है रोका जा सके। इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैश, बजट बना करके इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी कैश रिसीट होगी, कितनी कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसको जो है हम बजट में जो हमने अंदाजे लगाए उससे कंपेयर करके जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश बजट। तो इसमें आपके पास पहले है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, देन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड। फर्स्ट वन है रिसीट एंड पेमेंट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि ये देखा जाता है कितनी कैश रिसीट या कितनी कैश पेमेंट हमें एक बजट पीरियड में जो है करनी पड़ेगी, जो कि जनरली एक साल का होता है। तो फिर जब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं तो जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, उसमें सारा का सारा रिसीट जो है हम ऐड कर देते हैं, और जो भी हमने पेमेंट्स करनी है, जो पेमेंट का अंदाज़ा लगाया है, वो माइनस कर दिया जाता है, और इस प्रकार हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो आ जाता है। तो इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द बजट। सबसे पहले आप किसने पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं वो डिटरमाइन करना होता है,
जनरली एक साल का होता है, लेकिन आप उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या जैसी भी बिजनेस की नीड है उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि एक सीजनल इंडस्ट्री जो है वो एक पार्टिकुलर सीजन के लिए बजट जो है वो बनाती है। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द कैश रिसीट। सेकंड स्टेप में हम अंदाज़ा लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे कैश रिसीट्स का कि कहाँ कहाँ से जो है हमें कैश मिलने वाला है बिजनेस में, जैसे कि कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रिसीट्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आप देखिए जो सबसे बड़ा सोर्स होता है रिसीट का वो होता है बिजनेस में सेल। और एक कैश बजट बनाने के लिए सेल का एक्यूरेसी के साथ फोरकास्टिंग करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और ये फोरकास्टिंग मैनेजमेंट अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है वो लगाता है कि कितना उसका पिछला कैश सेल था और कितना उसका क्रेडिट पे सेल हुआ था। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जो क्रेडिट पे सेल किया था उनसे अमाउंट मिलने में कितना टाइम लगा। ये भी देखा जा सकता है कि कितने टाइम में पिछली बार जो कस्टमर ने जो है वो पेमेंट कर दी थी। अब मान लीजिए अगर पिछली बार जो भी आपकी सेल थी उसका 20% कैश में सेल था, 80% क्रेडिट में सेल था और जो कस्टमर है वो 2 महीने बाद अपनी पेमेंट कर रहे थे, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगले साल के लिए कि जो भी हमारी कैश सेल होगी वो 20% के आसपास ही रहेगी और 80% क्रेडिट पे सेल होगा। और 80% क्रेडिट पे जो हम सेल करेंगे, जैसे कि अगर 5 लाख सेल है तो उसका 20% 1 लाख तो आपको कैश मिल जाएगा, 80% यानी कि 4 लाख आपका क्रेडिट पे रहेगा। और 4 लाख क्रेडिट पे जो आपका रहेगा, अगर मान लो जनवरी में सेल करते हैं तो 1 लाख जो कैश में सेल हुआ वो जनवरी में ही मिल गया, और जो आप 4 लाख क्रेडिट पे 80% आपने सेल किया वो 2 महीने के बाद यानी कि जनवरी फरवरी के बाद मार्च में आपको मिलेगा। इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एस्टिमेटिंग द कैश पेमेंट्स। फिर आपको कैश पेमेंट्स के लिए भी जो है एस्टीमेट लगाना होता है कि कितनी हमें पेमेंट्स करनी पड़ेगी, जैसे कि पेमेंट्स वेजेस के लिए की जाती है, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, टैक्सेस के लिए, परचेजेस के लिए। तो यहाँ पर ठीक ठीक अंदाज़ा जो है उसका ये भी मैनेजमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे लगाती है और कितना महीने के लिए उनको क्रेडिट पे जो है रॉ मटेरियल मिल जाता है उसके बेसिस पे ये लगाते हैं। अगर मान लीजिए क्रेडिट पे उनको रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर जनवरी में आप परचेज करेंगे तो फरवरी में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो भी हमने कैश रिसीट और पेमेंट के अंदाजे लगाए हैं उसको हम ओपनिंग जो हमारा कैश बैलेंस है उसमें सारी रिसीट जोड़ देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए सारी जो कैश पेमेंट्स है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो आ जाता है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ 1 मंथ का जो है वो बता रही हूँ कि 1 मंथ का आपका जो है क्या रहेगा कैश बजट, किस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है, समराइज बिलो एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ मार्च टू जुलाई 16। आपको मंथ गिवन है मार्च से जुलाई तक, सेल गिवन है मार्च से जुलाई, परचेजेस गिवन है मार्च से जुलाई, वेजेस गिवन है मार्च से जुलाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैश बजट आपको बनाना है मई जून और जुलाई के लिए। तो सिर्फ मैं आपको मई का बता रही हूँ, कैश बैलेंस ये मई में बता रहा है कि 2016 में इनके पास 12,000 है, सेल और परचेज दोनों क्रेडिट पे है, आपने कस्टमर को जो है 1 महीने का क्रेडिट दिया है और क्रेडिटर्स को 2 महीने का, यानी कि आपको 2 महीने का मिला है। लैग इन पेमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के आप 1 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, लैग इन पेमेंट इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1/2 मंथ, यानी कि 15 दिन के बाद इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाती है। प्लांट और मशीनरी को 20,000 में आपने खरीदा है, डिलीवरी जुलाई में होगी, 20% तभी के तभी पेमेंट करेंगे और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एडवांस टैक्स की पेमेंट जो है जून और सितंबर में आप करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैश बजट मई का मैं बता रही हूँ, पर्टिकुलर्स मई जून जुलाई आपने लिखा, ओपनिंग बैलेंस 12,000, रिसीट में क्या होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आप यहाँ पर 60,000 जो है वो लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि 1 महीने के बाद ये 60,000 की अमाउंट है वो अप्रैल में है, पर वो मिला कब है हमें, मई में आ करके। तो आपको टोटल रिसीट कितना हो गया ओपनिंग में ऐड करके 72। पेमेंट में क्या है, पेमेंट्स टू क्रेडिटर 32, अब ये 32 का अमाउंट मार्च का है पर 2 महीने का हमें टाइम मिला है, तो हम मार्च की पेमेंट कब करेंगे, मई में। वेजेस की पेमेंट जो है वो आपकी 11,000, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए 1 महीने की जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए 1 महीने की बात हुई थी, तो जो आपके अप्रैल के हैं यहाँ पर पेमेंट होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए 15 दिन की बात हुई थी। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
जो आपका 8500 है 15 दिन यानी कि इस महीने में भी आधे तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि 42 50 और ऊपर जो 8000 आपके अप्रैल के हैं 4000 उसमें से, तो 4000 प्लस 42 50 82 50। अब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी इसमें नहीं है, एडवांस टैक्स भी अगले महीने में है, तो टोटल पेमेंट हुई आपकी 58250 और क्लोजिंग बैलेंस आया 1350। इस तरीके से हम अंदाज़ा जो है हर एक साल के लिए लगा सकते हैं।